पेश है इजुसा डायमंड ज्वेलरी, उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इजुसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए, कॉल नाउ 1-800-532-8444। आजमगढ़ जिले के कुंजी गांव निवासी महिला ने पोखरी की जमीन के विवाद में ग्राम प्रधान पर लगाया मारपीट का आरोप। शिकायत लेकर थाने पहुंची पीड़िता को पुलिस ने भी जमकर पीटा। उप जिलाधिकारी कार्यालय जमानत कराने पहुंची जहानगंज थाना क्षेत्र के कुंजी गांव निवासी पीड़िता धनमानी देवी ने बताया कि पोखरी की जमीन को लेकर ग्राम प्रधान व उनके घर के सदस्यों ने उसे और उनकी दो बच्चियों को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। जब इसकी शिकायत लेकर वह मुकामी थाने पर पहुंची तो थाने पर तैनात महिला एसओ व महिला आरक्षियों ने उसकी बेटियों को ही उल्टा पिटाई करना शुरू कर दिया, साथ ही पीड़ित पक्ष का 151 में चालान कर दिया। घायल अवस्था में पीड़िता महिला अपनी दो बच्चियों के साथ जमानत कराने के लिए उप जिलाधिकारी न्यायालय पहुंची। पीड़िता ने आरोपी ग्राम प्रधान व जहानगंज एसओ के खिलाफ आला अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। प्रधान पहले मिल के मरना, जब हम लोग थाने पे अपनी शिकायत दर्ज करेंगे ना तो मैडम मरनी, इंस्पेक्टर मैडम मरनी, हम लोग के दोनों बच्ची को तीनों लोग के मिल के बहुत बुरी हालत से मारे थाने पे। वहाँ से मार के तब हम लोगों के भेजे मेडिकल कराने के लिए, फिर वहाँ से हम लोग के भेजे SDM साहब को, हमारे लोग को जान मानक नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद थाने के ले गए हम लोग के, लाते मुक्का से, जूता से, बच्ची लोग के, दोनों लोग के, हमारी बच्ची भी होश पड़ गई ललिता। फिर उसके बाद हम लोग के भी मारे पीटे, बोले कि अगर ये शिकायत किसी के करेंगे तो जान मार दूंगा तुम लोग। इंस्पेक्टर ने बड़े चार महिला भी मारी। देखिए दो एक गांव की दो महिलाओं में आपस में मारपीट हुई है और दोनों पटीदार भी हैं आपस में। इस संबंध में इसकी जांच की जा रही है और जांच करने के उपरांत कार्रवाई। महिला सिपाही का नहीं है, दोनों का आपस में मारपीट का है और जब पुलिस फोर्स अगर वहाँ पहुँचता है तो निश्चित रूप से उन्हें हटाने के लिए उसे आवश्यक बल का प्रयोग करना पड़ता है और वो बल का प्रयोग उसके द्वारा किया गया। जय इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।